O dur diye diyeceğim. इसका तो ओरिजिनल सुनना चाहूंगी मैं. मुख्य धारण कर ऐ प्यारा. ओ शिट. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शन. दिस इज रेहान. हेलो गाइस, दिस इज बुलबुल. सो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बॉलीवुड छापा फैक्ट्री वर्ल्ड्स बिगेस्ट छापा फैक्ट्री पार्ट 3. ये एक वीडियो है जिसमें बॉलीवुड, आप सबको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है. हमने लास्ट वीडियो देखा था जिसमें पाकिस्तान के टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे. उसमें म्यूज़िक वाला भी बताया था. फिर मैंने इसे बताया था कि यार इतने इतने सॉन्ग्स कॉपी होते हैं. तो फिर इसने बोला मुझे वो वीडियो देखना है. तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ देखा जाए, इसका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाए. मज़ा आने वाला है बहुत इस वीडियो में. तो ईयरफोन्स लगा लो, देख लेते हैं वीडियो. 1 2 3 हियर वी गो. कपिल शर्मा की मूवी का सॉन्ग है. ये छापा है, ये ओरिजिनल. का सॉन्ग है. कितनी मेहनत करी छापने के लिए. ये भी कॉपी है. का सॉन्ग 2014 में. हाँ. ये भी कॉपी है, 1991 का है. 1987. मतलब 1991 में भी दिमाग लगा लेते थे लोग कॉपी करने में. लिरिक्स चेंज रहेंगे इसके. ट्यून वही है. अच्छा, शाहरुख. हाँ यार. ये तो सुनी हूँ मैं ओरिजिनल इसका, है ना? सुना होगा ना, बट पता नहीं था छापा भी है. ओ दू भी छापा है. इसका तो ओरिजिनल सुनना चाहूंगी मैं. ओ शिट. आज है यहाँ है अभी है. ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था मुझे. अली जफर का सॉन्ग था ये. में हुआ वो 2005 में हुआ. हाँ. है. मतलब करीबन एक साल भी नहीं लगे छापने में. हाँ, ये तो सबका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है. शिट टू यू. 1973. ये शाहरुख खान. यार शाहरुख खान को कॉपी नहीं करना था यार. ये भी सॉन्ग अच्छा है. अच्छे अच्छे सब वहीं से कॉपी हुए. बताओ. ये तो सुना हुआ है ना पुराना. नहीं, मैंने नहीं सुना. बट यार हेड्स ऑफ क्या कॉपी किए यार. अभिषेक भट्टाचार्य.
ये इसका ओरिजिनल मुझे अच्छा लगता है। मैं ओरिजिनल पहली बार सुन रही हूँ। क्या बोलना चाहेगी? कुछ भी नहीं यार, कितने कॉपीकैट हैं। इसका एक और पार्ट देख लेते हैं इसी वीडियो का। हाँ, पार्ट टू देखना। पार्ट थ्री बहुत फेमस है इसलिए पार्ट थ्री पहले देखा, आप पार्ट टू देख लेते हैं। पार्ट टू में भी बहुत कमाल कमाल के सॉन्ग्स हैं। सो 1 2 3 हियर वी गो। अरे ये तो मेरा फेवरेट है। ये नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली से कॉपी हुआ। नहीं यार, ये नुसरत फतेह अली खान नहीं, कोई और है। ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, ये अलग लग रहा है। प्लीज यार, ये भी अलग निकल जाए। अबे यार, ये मेरी मम्मा का फेवरेट सॉन्ग है। नहीं, ओरिजिनल सुनी उसका मैंने ये वॉइस में। अपन सोच रहे थे क्या अच्छे अच्छे सॉन्ग बनाते हैं यार बॉलीवुड वाले। मेहनत करके वो भी। हाँ। मेरे को लॉजिक समझ में आ गया इसके पीछे का क्यों बना है। उस बारे में अपन वीडियो के बाद डिस्कशन करेंगे। ये तो पता ही था सबको। नहीं पता था मुझे। नहीं पता था मुझे, पता था ये। मेरे साथ आज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही है। ये दोनों सॉन्ग की ट्यून एक जैसी है ना। हाँ। फोटो को और इस सॉन्ग की, ये दोनों ट्यून इस सॉन्ग से लिए शाहरुख। हाँ, शाहरुख वाला सॉन्ग ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये कौन सी मूवी का सॉन्ग? खुशी का पता नहीं। सन्नी बाजी। ये भी इधर उधर मेरा दिल ले गई कोई कमो किधर मैं देखूं उसको इधर उधर एक काम करते हैं अपन इसका पार्ट वन भी देख ही लेते हैं। पार्ट वन भी देख ही लेते हैं ना। बिल्कुल यार, मुझे देखना है अब तो। और कितने कॉपी हुए हैं? पार्ट वन कहाँ गया? तो पार्ट वन देख लेते हैं। तीन पार्ट एक साथ देख रहे, सोचो। हियर वी गो। ये अच्छा है। इतना सही सॉन्ग कभी मैंने सुना नहीं था। चले
मैंने सारे वीडियो देखे हुए लेकिन ये पहली बार देख रही है। दिसंबर है भीगी भीगी सी तन्हाई है। ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था मुझे बचपन में। वीडियो अच्छा लगता था। थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। एक टाइम पे कितना फेमस था ये सॉन्ग। दुनियादारी से यकीन उठ गया मेरा। ये कौन सा है? ट्रस्ट इश्यूज। दैट्स व्हाई आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। दैट्स व्हाई मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए। लड़का बदनाम लड़का सलमान को ही ले लेते हैं। लड़के को मुन्नी कर दिया। हाँ तो अब बता क्या लॉजिक लगा था तुझे? मुझे लॉजिक ये लगा था क्योंकि जो ओरिजिनल्स है सारे मुझे वो है ना बोरिंग से लगे। हाँ। और वो पुराने थे तो वो बोरिंग थे तो चले नहीं। हाँ। और अभी ये लोग नए हैं और बहुत मिर्च मसाला डालते हैं और सॉन्ग्स में डांस हॉटनेस और ये सब दिखा कर चल रहे हैं। इनके सॉन्ग्स तब भी फेमस हुए हैं ये। हाँ ये वाले। बोल सकते हैं ये बोल, लेकिन इसमें पुराने सॉन्ग्स बहुत से बहुत ज़्यादा फेमस है रह चुके वहाँ ये, क्योंकि अपन को इसलिए नहीं पता क्योंकि वो पाकिस्तान के सॉन्ग्स हैं और वो यहाँ पर रिक्रिएट हुए। हाँ ओके मुझे भी नहीं पता था वो सारे गाने पाकिस्तान के पुराने। बट फिर भी स्टिल क्योंकि जो छापा गया है ना छापा में ये चीज हुई है कि इम्प्रूवमेंट तो होगा ना बहुत ज्यादा ही, क्योंकि यार 1970 1980 के सॉन्ग अब बनेंगे तो इम्प्रूवमेंट तो जाहिर सी बातें होगी। हाँ वो तो है बट सीरियसली यार मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे कुछ कुछ इसमें फेवरेट्स है यार जो कि एक पार्ट और इसमें जिसमें एक्शन कॉपी हुआ है ये दिख रहा है ये वाला। हाँ। पर वो हम फिर कभी देखेंगे इसके। हाँ। बाकी के पार्ट्स हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो में बताओ आपको कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। आप लोगों को तो मज़े आ गए होंगे, आप लोगों को मज़े आए होंगे पक्का है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर। टेक केयर।